हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो आज है बुधवार और हमने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है ना, तो अभी उसी के लिए मैं खाना बना रही हूँ। पहले तो दाल को अच्छे से मैंने साफ़ किया है। अभी देखो पानी भी आने लगा है, तो इस बड़े से कैन में पानी अलग से भर के रख देती हूँ। तो ये पानी ना खाना बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बस यहाँ पे पानी भरने के बाद दाल को भी अच्छे से धो लिया है। फिर इसमें ना थोड़ा सा जीरा और हल्दी भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखो लाल मिर्च पाउडर जो है ख़त्म हो चुका है। और इस डिब्बे का जो लाल मिर्च है ना, ये बाहर से लाया हुआ मतलब पैकेट वाला लाल मिर्च पाउडर है, तो वही मैं डाल देती हूँ। और अभी ना मुझे मतलब लाल मिर्च जो है ख़रीद के लाना है, और घर में ही हम बनाते हैं लाल मिर्च पाउडर। जो पैकेट वाला मिलता है ना, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बस जल्दी से जल्दी मुझे लाल मिर्च खरीद के लाना है, क्योंकि ये जो पैकेट वाला है ना, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब देखने में उसका रंग जो है लाल रंग का ही है, लेकिन खाने में हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जो हम खरीद के ला के मतलब लाल मिर्च ला के फिर चक्की में पिसवाते हैं ना, वो वाला जो लाल मिर्च होता है ना, वो अच्छा लगता है। मतलब जब भी हम कुछ बनाते हैं तो ये वाला सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है। और अभी देखो चावल को भी मैंने साफ़ कर लिया है। अभी ये चावल ना मैं दोनों बर्तन में अलग अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि एक का मुझे कुछ मीठा बनाना है और एक जो हम खाने वाला चावल होता है ना, वही बनाना है। तो इसीलिए फिर दोनों में अलग करके रख देती हूँ। फिर इन चावल को ना पानी से धोने के बाद कुछ देर के लिए भिगो कर रख देती हूँ। और जो मीठा बनाने वाला है ना, उसे तो कुछ और देर के लिए भी भिगो कर रखना है। मतलब मैं लास्ट में वो वाला बनाऊँगी। तब तक हस्बैंड मार्केट जाके सब्जियाँ लाए हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पे ना फूलगोभी, कुंदरू, भिंडी और ये जो बीन्स है ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये सब है, लेकिन मैं ना भिंडी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि भिंडी जल्दी बनता है, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे ये जो मोटर है ना, ये थोड़ी बहुत ख़राब हो चुका है, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो बस इसी का ही रिपेयर कर रहे हैं। फिर बाद में ना भिंडी को मैं अच्छे से पानी से धोने के बाद एक सूखे कपड़े में इस तरह से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी नम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अभी भिंडी का मैं फ्राई ही बना रही हूँ, तो इसीलिए फिर बाद में इसे अच्छे से काट लेती हूँ। और ये जो बाकी के सब्जियाँ हैं, इसे भी मुझे साफ़ करना है, लेकिन खाना बनाने के बाद, फिर खाने के बाद, फिर बाद में मैं वो काम करूँगी। अभी यहाँ पे ना ये गुड़ का काम कर रहे हैं। और भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए देखो मैंने तेल गर्म होने के बाद जीरा राई डाला है और हरी मिर्च डाला है। तो इस सब्ज़ी में ना सिर्फ मैं हरी मिर्च ही डालूँगी, लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूँगी, इसीलिए हरी मिर्च जो है थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। फिर हरी मिर्च अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें भिंडी डाल देती हूँ। अभी भिंडी को ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। फिर बाद में ना इसमें हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी डालने के बाद इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही चलाते हैं, मतलब भिंडी जो है अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। भिंडी फ्राई होने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद भी इसे कुछ देर के लिए हम चलाते हैं। फिर देखो दूसरी तरफ चावल अच्छे से पक चुका है, तो ये मीठा बनाने के लिए जो चावल रखा था ना, वही चावल है। अभी चावल देखो अच्छे से पकने के बाद इसमें दूध भी डाल देती हूँ। दूध चाहे हम जितना हो सके उतना डाल सकते हैं। तो इसे ना हम बेल्लम अन्नम कहते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर त्योहारों में बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी। आप इसे खीर नहीं कह सकते हैं, मतलब खीर तो पतला होता है ना, लेकिन ये जो हम चावल बनाते हैं ना, जो पका हुआ चावल होता है उसी की तरह होता है, लेकिन मीठा होता है। और अभी देखो भिंडी की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई है, इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। तो बस अभी एक बार चला के फिर गैस को भी ऑफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से भिंडी के फ्राई के साथ ना जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो तो सांभर और रसम, लेकिन आज मैं सिंपल दाल ही बनाया है। तो बस अभी देखो यहाँ पे जो मीठा चावल बना रही हूँ ना, उसमें अभी गुड़ भी डाल देती हूँ। गुड़ डालने के बाद अच्छे से इसे थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, फिर लास्ट में इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। तो बस घी भी जितना चाहे उतना हम डाल सकते हैं। यहाँ पे घी डालने के बाद एक बार अच्छे से चला के एक दो मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही ढक्कन रख के पकाते हैं। तो बस सिंपल सा हमारा
बेलमन्नम जो है बन जाता है। तो देखो कितना इजी तरीके से हम इसे बना सकते हैं ना, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ पापड़ भी तल लेती हूँ। तो बस अभी ना मेरा सारा खाना जो है बन गया है, फिर बाद में जो कुछ भी बनाया है यहाँ पे लाके रख देती हूँ, और हस्बैंड भी मेरे हेल्प कर रहे हैं। तो देखो कैसे एक एक चीज़ हम लाके रख रहे हैं। पहले तो ससुर जी को डाल के दे देती हूँ, उनका उपवास छोड़ने के बाद फिर मैं भी खा लेती हूँ। तो बस देखो यहाँ पे हमने क्या क्या बनाया है। तो सिंपल सा टमाटर डाल के दाल बनाया है, भिंडी का फ्राई बनाया है, और मीठे में बेलमन्नम बनाया है, और पापड़ तो होता ही है, और दही तो वो भी बिल्कुल हम जो भी उपवास छोड़ते हैं तो दही भी होनी चाहिए। तो बस यही मैंने आज बनाया है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाती, तो यही सिंपल सा खाना मैंने अभी हमारा उपवास जो है छोड़ने के लिए बस इतना ही बनाया। पहले तो ससुर जी खा लेते हैं। तो इनका महाशिवरात्रि का उपवास यानी व्रत जो है बहुत सालों से ये रखते हैं। मैं भी ना मतलब शादी से पहले से ही रखती थी, अभी शादी के बाद ससुर जी और मैं मतलब हमारे ससुराल में दो ही लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो अभी मैं भी खाना परोस लेती हूँ, फिर मेरे खाने के बाद ना हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो आज सुबह मैं ना बच्चों ने मैगी बना के खाया है, और उनके लंच बॉक्स में ना मैंने फ्राइड राइस बनाया है, और हस्बैंड भी कुछ भी नहीं खाए हैं, सिर्फ चाय पिए थे। और इतना सब कुछ करने में ना बहुत ज़्यादा समय लग गया है। फिर अभी ना यहाँ पे देखो इस तरह से मैं एक बार शिव जी को नमन करती हूँ, ताकि मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो जाए वो माफ़ करने के लिए। फिर बाद में अपना उपवास जो है छोड़ देती हूँ। और खाना खाने के बाद ना बस ऐसे ही मैं कुछ देर लेटी रही, फिर दोपहर के टाइम पे देखो हमारे घर गौ माता आई है। और पता है कल ना मैं बार बार बाहर जाके देख रही थी कि गौ माता नज़र आए और हमारे घर के सामने आ जाए, लेकिन कल तो नहीं आए गौ माता, आज तो आ गई है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे आने से पहले ही ससुर जी ने कुछ खिलाया था, फिर बाद में मैंने टीका वगैरह कर दिया है, और कुछ पोहे लाके खिला देती हूँ, और इस तरह से तीन बार प्रदक्षिणा भी कर लेती हूँ। और आपको याद है कि नहीं, पिछली बार ना बस यही साड़ी था और इसी तरह से मैंने गौ माता का प्रदक्षिणा किया था, लेकिन पिछली बार महाशिवरात्रि के पर्व दिन पे ही किया था, लेकिन आज जो है शिवरात्रि के दूसरे दिन है, मतलब इस दिन भी हम बहुत ही अच्छे से शिव जी की आराधना करते हैं। और आपको पता है कुछ तीर्थ स्थान में ना आज भी शिव जी के नाम से बोनम चढ़ाते हैं। बोनम मतलब आपको पता ही होगा, और शिवरात्रि के दिन भी और आज दूसरे दिन भी शिव जी के बोनम चढ़ाते हैं। माँ भी गई है आज बोनम चढ़ाने के लिए तीर्थ स्थल। और अभी देखो मैंने पानी भी लाके रख दिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, अगर इसे प्यास लगी हो करके, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी ही मैंने कल का महाशिवरात्रि का व्लॉग जो है वो अपलोड किया है। तो दोपहर में ही एडिट करके फिर वॉइस ओवर दे के अपलोड करने में शाम के 6:30 बज गए हैं। और आज ना एक पार्सल आया है, तो मैंने कुछ दिन पहले हस्बैंड के लिए कुछ ऑर्डर किया है, तो वो अभी आया है। अभी हस्बैंड गए हैं, मैं उनको दिखाना चाहती थी, लेकिन चलो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इनके लिए क्या मंगाया है, वो भी अपने पैसों से। तो पहली बार इस तरह से मैंने कुछ इनके लिए ख़रीदा है। तो ये वाला शर्ट जो है वो मैं मीशो से ऑर्डर किया है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये वाला जो कलर है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कलर है, तो बस देखते ही मुझे अच्छा लगा। अब देखेंगे कि इनको कैसा लगता है, इनके पास ना इस तरह से शर्ट्स भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने मंगाया। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वाला शर्ट, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है। और देखेंगे अगर ये हस्बैंड को अच्छा लगता है, उनको पसंद आता है, तो ऐसे ही और कुछ शर्ट्स जो है वो मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। अब हस्बैंड पे कैसा लगेगा वो तो देखेंगे।
और यहाँ पे देखो ये जो बेल्लम अन्नम मतलब पोंगल है ना, बहुत सारा बचा है क्योंकि सुबह में ना हमने बहुत कम ही खाया है, बहुत ज़्यादा गर्म था तो इसीलिए हम खा नहीं पाए थे। और अभी बच्चे आने के बाद इनको डाल के दे देती हूँ और थोड़ा ससुर जी को भी डाल देती हूँ। तो ससुर जी ना बहुत ही कम खाए थे, जितना मैंने डाला था ना उसमें से आधा फिर से निकाल दिए थे। और यहाँ पर मैं भी अपने लिए डाल के यहाँ पर आके बैठ के फिर टीवी देखते हुए खा लेती हूँ। तो वही मैं बैरिस्टर बाबू सीरियल देख रही हूँ आजकल, अच्छा लग रहा है। फिर देखो हस्बैंड भी आ गए हैं और इनको मैंने बताया तो ये कह रहे थे कि मुझसे पूछना था। और इसका जो साइज़ है ना वो भी बिल्कुल ठीक आया है और इनको ना अच्छा लगा, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है क्योंकि उनके चेहरे से वो पता चलता है ना। फिर भी ठीक ठाक ही है जो पहली बार मैंने इनके लिए लिया है। तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।